हैदराबाद, फुलेली नहर ककरम वा के मकीनों को नाजायज तजावजात के नाम पर बेघर करने का सिलसिला जारी, अवाम परेशान। तफसील बता रहे हैदराबाद से काजी अमीन। इस वक्त हम खड़े हैं फुलेली के इलाके अकरम वा नहर के पास, जहाँ के नाजायज तजावजात के नाम पर लोगों को बेघर कर दिया गया और उनको कोई मुतबादिल जगह नहीं दी गई, ना कोई मुआवजा दी गया। इस सिलसिले में यहाँ के मकीनों की शिकायत हम तक पहुँची तो हम यहाँ आज उनके पास आए हैं और मालूम करते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं। जी जनाब, मेरा नाम मोहम्मद एहसानुल्लाह अंसारी है। हमने एंटी एक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल में केस किया हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। चारों तरफ आप देखें, नहर के दीवार नहर के अंदर उतरी हुई और ये लोगों के मकान तोड़ रहे हैं। और हमें भी नोटिस दिया हुआ है कि आपके मकान टूटेंगे। 1964 की मेरी रजिस्ट्री है और फिर कह रहे हैं कि ये नाजायज़ बने हुए हैं, कि आपकी जगह ये नहीं है, कोई और है। सिटी मुख्तियार कार से भी मेरी बात हुई है, असिस्टेंट कमिश्नर भी ये कह रहा है कि ये आपकी जगह नहीं है, लेकिन हमारे पास 1964 की रजिस्ट्रियाँ मौजूद हैं। 1939 का एक यहाँ मंदिर मौजूद है और तमाम, यानी कि हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। किसी के पास फ़र्द हकीकत हैं, किसी के पास औकाफ़ के, किसी के पास सेटलमेंट के और किसी के पास क्लेम के कागजात मौजूद हैं, लेकिन फिर ये कह रहे हैं कि ये नाजायज़ बैठे हुए हैं। आप लोग पूरा इलाका यानी कि परेशान है, जब दिल चाहता है ये मशीनें लेके आके खड़ी कर देते हैं और हम लोगों को हरासा करते हैं, लेकिन कोर्ट में केस होते हुए भी हमें कोई तहफ़ नहीं दिया जा रहा। कभी पुलिस आ जाती है तो कभी सिटी मुख्तियार कार, कभी जी वार्ड का इंचार्ज है कंबर शाह, वो आ जाता है। तो हमें हर तरह से हरासा किया जा रहा है, जबकि हम लोग कहते हैं कि कोर्ट में केस है, लेकिन ये मानते नहीं हैं उस बात को। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ के जो मुकामी हैं, रिहाइश करने वाले, पिटीशन दाखिल इन्होंने की है और ये बताते हैं कि हमने तमाम महकमा जाती कार्रवाई मुकम्मल की हुई है और यहाँ तक के हमने बाकायदा कोर्ट में भी पिटीशन लगाई हुई है, मुख्तारकार को भी दरख्वास्तें दी हुई हैं। हमारे पास तमाम कागजात मौजूद हैं, हमारे पास रजिस्ट्री के भी कागजात हैं, लीज के भी कागजात हैं और फर्द हकीकत भी मौजूद है। इसके बावजूद भी हमको हरासा किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अब जबकि इस वक्त हम नहर से तकरीबन ये जो पहले इन्होंने तोड़फोड़ की है तो या उसका खात्मा किया है, वो तकरीबन 40 फीट इस वक्त नहर से दूर है। इसके बावजूद इनको हरासा किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब नहर के अंदर दीवार बनी हुई है। कैमरा हमारा दिखाए तो हमें उसको बताएं कि ये देखें, दीवार नहर के अंदर बनी हुई है, ये सामने देख रहे हैं नहर के अंदर बनी है, दूसरी तरफ बाड़े, लेकिन वहाँ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं है। इनका कहना है कि ये महज जो है एक तासुब की बुनियाद पर ऐसा किया जा रहा है, लिहाजा इस अमल को ख़त्म होना चाहिए और यहाँ के मकीनों की जायज़ मुतालबात को पूरा होना चाहिए। इनके मकीनों को, जिनके बाड़े पहले तोड़ दिए गए, जिनके सर से छत छीन ली गई है, उनके लिए मुआवजा दिया जाए या उनको मुतबादिल जगह दी जाए। और इन लोगों को, जिनको अगर अभी नोटिस जारी किए, इस काम को फौरी तौर पर रोका जाए ताकि इनको बेघर ना किया जाए। हुकूमत यूँ तो हज़ारों घर, लाखों घर देने का वादा कर रही है, लेकिन यहाँ जो है सिंध हुकूमत जो है यहाँ बिल्कुल लोगों को और तबाह बर्बाद कर रही है, उनके सर से छत छीनी जा रही है। तो ये काबिले मुज़म्मत न्यूज़ है। कैमरामैन सुफियान के साथ काजी अमीन, HP न्यूज़ हैदराबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।